क्या कपिल शर्मा कॉमेडी करते करते इतने रईस हो गए कि उन्होंने अपनी प्राइवेट जेट खरीद ली? वैसे कहते हैं कि शौक बड़ी चीज होती है और शौकीन किस्म के वो हैं। कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कपिल शर्मा जेट उड़ाते हुए दिख रहे थे, तो हो सकता है कि अपने शौक की वजह से उन्होंने अपना प्राइवेट जेट खरीद लिया हो, क्योंकि कपिल शर्मा ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपनी वाइफ गिन्नी के साथ एक प्राइवेट जेट से बड़े स्टाइल से उतरते हुए दिख रहे हैं। और ऐसी फोटो अगर उन्होंने शेयर की है तो लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि उन्होंने प्राइवेट जेट खरीद लिया। हालांकि ये खबर अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे जो हैं अपनी यात्रा के लिए प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई सितारा किसी प्राइवेट जेट से यात्रा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उस जेट का मालिक है। तो कपिल के बारे में भी यही कह सकते हैं कि ये कंफर्म नहीं है कि उन्होंने अपनी प्राइवेट जेट खरीदी है या नहीं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि बॉलीवुड के वो कौन कौन से सितारे हैं जो सचमुच प्राइवेट जेट ओन करते हैं, जिनके पास सचमुच अपना एक निजी विमान है जिसके जरिए वो देश विदेश की यात्रा करते हैं। अब देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि अजय देवगन के पास अपनी एक प्राइवेट जेट है। जी हाँ, ये सच है कि अजय देवगन ने कुछ साल पहले अपनी एक 6 सीटर प्राइवेट जेट खरीदी थी। तब इसकी कीमत बताई गई थी 84 करोड़ रुपए। लेकिन अजय देवगन ने अपना वो जेट साल 2020 में बेच दिया था, क्योंकि उसके मेंटेनेंस में काफ़ी खर्च आ रहा था। और अजय देवगन ने इस बात का खुलासा खुद अपने एक इंटरव्यू में किया था। अमिताभ बच्चन को भी मुंबई एयरपोर्ट पर नहीं देखा जाता, क्योंकि वो अपनी यात्रा के लिए प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करते हैं। कई बार बच्चन फैमिली की ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें परिवार के सभी लोग प्राइवेट जेट में दिखे हैं। माना जाता है कि अमिताभ बच्चन भी प्राइवेट जेट के मालिक हैं। अक्षय कुमार नहीं खरीदी जेट। अक्षय कुमार अक्सर अपने परिवार के साथ विदेश यात्रा पर जाते हैं, हॉलीडेज पर जाते हैं, और ऐसी खबरें आती हैं कि अक्षय कुमार भी प्राइवेट जेट के मालिक हैं। लेकिन बता दें कि अक्षय कुमार ने खुद इसका खंडन किया था। उनकी मां ने तो उन्होंने कभी भी अपना जेट नहीं खरीदा है। फैमिली संग वो वेकेशंस के लिए किराए पर प्राइवेट जेट लेकर जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो ऐसे जेट में यात्रा करते जिसमें दूसरे यात्री भी होते हैं। तो प्राइवेट जेट में सितारे यात्रा इसलिए करते हैं ताकि उनकी प्राइवेसी बनी रहे। अगर वो एक आम प्लेन में बिजनेस क्लास में यात्रा करते हैं तो बहुत सारे मुसाफिर जो है उन्हें सेल्फी के लिए परेशान करते हैं, उन्हें ऑटोग्राफ के लिए परेशान करते हैं। तो ऐसे में अब ज़्यादातर सितारे आपको मुंबई एयरपोर्ट के बजाय कलीना एयरपोर्ट पर दिखते हैं, और अपने लिए वो प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो भीड़ से बचे रहें, ताकि वो फैंस से बचे रहें। शाहरुख खान जेट के मालिक हैं। शाहरुख खान अपनी लग्जरी लाइफ के लिए जाने जाते हैं। शूटिंग के सिलसिले में उनका देश विदेश आना जाना लगा रहता है। ऐसे में वो जहां भी जाते हैं अपने प्राइवेट जेट से जाते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान के प्राइवेट जेट की कीमत 350 करोड़ रुपए है। उनका परिवार और वो अक्सर अपने प्राइवेट जेट से यात्रा करते हैं। हमेशा उनको मुंबई के कलीना एयरपोर्ट पर देखा जाता है, क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर सितारों की प्राइवेट जेट खड़ी होती है और यहीं से वो उड़ान भरती हैं। प्रियंका चोपड़ा जोनस जेट की मालकिन है। शादी के बाद से प्रियंका चोपड़ा अब अमेरिका में रहती हैं और उनके पास भी अपना निजी विमान है। प्रियंका के पति निक जोनस भी एक स्टार सेलिब्रिटी हैं और पति पत्नी ने अपने लिए एक प्राइवेट जेट रखा हुआ है। प्रियंका और उनकी फैमिली को जब भी इंडिया आना होता है वो प्राइवेट जेट का ही इस्तेमाल करते हैं। वो हमेशा मुंबई के कलीना एयरपोर्ट पर ही लैंड करती हैं और यहीं से अपने प्राइवेट जेट से उड़ान भरती हैं। आपको बता दें कि प्रियंका का जेट भी कलीना एयरपोर्ट पर पार्क होता है। बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान 1100 से ज़्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। वहीं आपको बता दें उनका 800 करोड़ का पटौदी पैलेस भी है। लेकिन इसके अलावा सैफ अली खान के पास अपना एक प्राइवेट जेट भी है। सैफ करीना को अक्सर प्राइवेट जेट से यात्रा करते हुए देखा गया है। शिल्पा शेट्टी को अक्सर देखा जाता है कि वो प्राइवेट जेट से यात्रा कर रही हैं। माधुरी दीक्षित को भी प्राइवेट जेट के साथ देखा गया है, वो तस्वीरें शेयर करती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इन सितारे जो हैं ये सब प्राइवेट जेट के मालिक हो। कई सितारे अपनी यात्रा के लिए इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि वो जब एक आम प्लेन से जाते हैं तो भले ही वो बिज़नेस क्लास में बैठे हों, लेकिन वहाँ पर जो भी दूसरे मुसाफिर होते हैं वो उनको सेल्फ़ी के लिए परेशान करते हैं। तो इससे बचने के लिए सितारे प्राइवेट जेट से यात्रा करना प्रिफर करते हैं। वहीं कई बार जब सितारे फिल्म की शूटिंग के लिए जाते हैं, किसी ब्रांड प्रमोशन के लिए जाते हैं, तो उनको उस दौरान भी प्राइवेट जेट की सुविधा दी जाती है और उससे वो यात्रा करते हैं। लेकिन बहुत कम सितारे ऐसे हैं जो प्राइवेट जेट वाकई में अफोर्ड कर सकते हैं। कहा जाता है शाहरुख खान ने वाकई अपने लिए प्राइवेट जेट रखी हुई है,
बच्चन फैमिली के बारे में भी कहा जाता है कि उनकी अपनी प्राइवेट जेट है। दूसरी तरफ ऋतिक रोशन के बारे में कहा जाता है कि उनकी भी प्राइवेट जेट है, लेकिन कभी भी ये खबर कंफर्म नहीं हुई। ऋतिक रोशन प्राइवेट जेट से यात्रा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनको मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है आम मुसाफिरों की तरह जैसे वो बाहर आते हैं। तो बहुत से सितारे हैं जिन्होंने प्राइवेट जेट अपने लिए रखा है, जैसे अजय देवगन ने प्राइवेट जेट खरीदी थी लेकिन उन्होंने बाद में उसके मेंटेनेंस में जब बहुत खर्चा आ रहा था तो उन्होंने बेच दी थी। तो बहुत से सितारे अब भी प्राइवेट जेट के मालिक हैं, जिसमें शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है और प्रियंका चोपड़ा है। वहीं बहुत से सितारे ऐसे हैं जिनके बारे में ये खबरें आई कि वो प्राइवेट जेट के मालिक हैं लेकिन वो नहीं है, जैसे कि अक्षय कुमार ने खंडन किया कि नहीं, मैंने कभी प्राइवेट जेट नहीं खरीदा। अजय देवगन ने कहा कि मैंने बेच दी। तो इस तरह जो है प्राइवेट जेट रखना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि प्राइवेट जेट को आप अपने घर पे नहीं पार्क करते हैं, बल्कि इसको आप एयरपोर्ट पे ही पार्क करते हैं और वहाँ भी करोड़ों में किराया जाता है, फिर उसको उसकी पेट्रोल का खर्च। तो अपने आप में एक बहुत महंगा शौक़ है, लेकिन बॉलीवुड में जो बहुत वाकई बहुत रईस सितारे हैं उन्होंने इस शौक़ को पाल रखा है।